हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 10 सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 में दे रखा है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिनका सेंटर सेम ओ ही है। अगर एक लाइन है जो कि सर्कल को ए बी सी डी पर इंटरसेक्ट करके जाती है, अगर ए बी 10 हो तो बताओ फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी, सी डी की लंबाई बताओ कितनी होगी। तो पहले मैं दो सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मान लो मेरा सर्कल नंबर 1, इसका सेंटर ये है और इसी को सेंटर मानते हुए मैंने दूसरा सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, एक लाइन पास हो रही है कुछ इस तरीके से इन चार पॉइंट पे, ए बी सी एंड डी से। अगर ए बी की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो बताओ सी डी की लंबाई कितनी होगी। ये मेरा सेंटर हो गया ओ। इस सर्कल का नाम देता हूँ C1, इस सर्कल का नाम देता हूँ C2। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए मैंने कंस्ट्रक्शन की, मैंने एक परपेंडिकुलर डाला किस पे, इस कॉर्ड पर। देखो ये जो कॉर्ड है, C1 सर्कल की कॉर्ड कौन है BC और C2 सर्कल की कॉर्ड कौन है AD, दोनों ये C1 की और ये C2 की कॉर्ड है। तो मैंने दोनों ही कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डाला, जिसका नाम दे दिया मैंने E, नाम दे दिया। ठीक, OE परपेंडिकुलर ऑन AD। और अगर किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो उसे इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे कि ये मैं C1 सर्कल बनाता हूँ, ये मेरा सेंटर O, इसकी जो पॉइंट है B और C, ये मेरा E। तो जितना मेरा BE होगा उतना ही मेरा कौन होगा CE होगा। इसी तरीके से जो मेरा दूसरा सर्कल है, इसकी जो कॉर्ड है वो कौन है AD, मैंने इसे परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर कितना OE, जितना मेरा AE होगा उतना ही मेरा कौन होगा DE होगा। तो यहाँ लिख देता हूँ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। वो क्या करता है, इसको बाइसेक्ट करता है, जिसकी वजह से जितना मेरा AE होगा उतना ही मेरा DE होगा। इसे नंबर 1 मान लिया। जितना मेरा BE होगा उतना ही मेरा EC होगा, इसे नंबर 2 मान लिया। फिर मैंने लिखा सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, दो को एक में से माइनस करते हैं, AE माइनस BE, DE माइनस EC। अब AE में से BE को माइनस कर दिया तो कौन बचा AB, DE में से EC को माइनस कर दिया तो कौन बचा CD, AB की लंबाई में कितनी दे रखी 10, तो CD की लंबाई भी कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 35 बोला गया वाई की वैल्यू बताओ क्या होगी। एंगल ये 40 दे रखा है, ये 60 दे रखा है और ये हमारा वाई दे रखा है, वाई की वैल्यू बतानी है। तो थ्योरम 10.9 में ये बताया गया है कि अगर एक ही सेगमेंट में बनने वाले जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल। तो यहाँ पर दोनों ही मेरे एंगल एक ही सेगमेंट में बने हुए हैं, यानी कि जितना मेरा एंगल 40 होगा उतना ही मेरा एंगल वाई होगा। क्यों, दोनों एक ही सेगमेंट में बने हुए हैं। देखो ऊपर वाले हिस्से में ना दोनों के दोनों, ये भी इसी सेगमेंट का हिस्सा है और ये भी इसी सेगमेंट का हिस्सा है। सेगमेंट का मतलब बता दूँ सर्कल का एक पार्ट, जैसे कि नीचे वाला खाली हिस्सा ना इसको काट दिया जाए तो ये होता है मेजर सेगमेंट। इसमें बनने वाले जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो y इक्वल हो जाएगा 40 डिग्री के। रीज़न होगा एंगल इन अ सेम सेगमेंट, और ये चीज़ थ्योरम 10.9 के अंदर प्रूफ करवाई गई है। थ्योरम 10.9 ये हमारी थ्योरम ही है एंगल इन अ सेम सेगमेंट, जिसके अंदर प्रूफ कराया गया। इस लॉजिक का यूज़ करते हुए दोनों के दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, इस तरीके से मेरे y की वैल्यू निकल के आएगी 40। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे 36, इसमें हमें x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो देखो ये हमारा सेंटर है, सेंटर से जाने वाले एंगल कौन होती रेडियस, ये भी हमारी रेडियस है, ये भी हमारी रेडियस है, दोनों रेडियस है। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हों तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये रेडियस है, रेडियस है इन ट्रायंगल AOC, AO और OC दोनों रेडियस है तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ये हमें एक्स दे रखा है, एंगल OCA, एंगल CAO दोनों एक्स हो जाएंगे। रीज़न हो जाएगा एंगल अपोजिट टू
इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल, ठीक। ये एक्स है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इसी लाइन को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूँ, कितना हो गया 70 डिग्री। अंदर वाले दोनों एंगल का सम बाहर वाले के बराबर होता है, रीज़न होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्स और एक्स कितना हुआ 2x, मल्टीप्लाई में है इसमें आ जाएगा डिवाइड में, ये आगे मेरा 35 डिग्री का एंगल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे कंप्लीट। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 37, इसमें x की वैल्यू बतानी है। तो जो ये मेरा क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, इसके जो वर्टेक्स है किसे बने हुए, सर्कल बने हुए, तो इसे कहेंगे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। एंगल बी और एंगल डी दोनों का जोड़ोगे 180 डिग्री। बी हमें 40 दे रखा है, डी हमें एक्स दे रखा है, प्लस का उधर ही एक्स का आ जाएगा, माइनस का 180 माइनस 40, तो यह आ गया हमारा 140 डिग्री। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।